नमस्ते, हमारी आज की बात गमरा के पौधे के बारे में है। इसे गुजराती में गा जाड़वू गा बुरी के नाम से जाना जाता है। हिंदी में गमरा या गामरा, सदाहरी, परदेसी लांगली, तलमुरिया, पत्थरचूर, पत्थरफोड़ या संजीवनी बूटी के नाम से जानते हैं। मराठी में जखम जुड़ी और कंबर मोड़ी के नाम से जाना जाता है। संस्कृत में संघानकरणी, व्रणरोपा या जयंती वेद के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में कोट बुटन और मैक्सिकन डेसी के नाम से जाना जाता है। और लैटिन में ट्राइडेक्स प्रोकम्बेंस के नाम से जाना जाता है। बंगाली में त्रिधारा भी कहते हैं इसे। वैसे तो आपको ये पूरे साल भर आपको हर जगह मिल जाएगा, जैसे खेतों के किनारे पर, रास्तों के किनारों पर या ऐसी बंजर जमीन पर यह आपको दिखेगा। पर बारिश के बाद ये लगभग हर जगह होता है। गामरा का पौधा 1 या 1.5 फीट तक की ऊंचाई वाला और ये छातेदार होता है, तभी 1.5 फीट की लंबाई वाला होता है। पत्ते की लेंथ 2 सेंटीमीटर से 7 सेंटीमीटर, विड्थ में 1 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर। आकार में ये अंडाकार होते हैं, किनारी दांते वाली, नीचे की सपाटी थोड़ी व्हाइट जैसी। पत्ते की ऊपर नीचे दोनों तरफ छोटे छोटे बारीक तंतुओं यानी कि रोम होते हैं, रुएदार बाल होते हैं। गामरा के फूल सफ़ेद या पीले होते हैं। फूल जब सूख जाता है तब रुई की गेंद जैसा आपको दिखेगा और इसके अंदर छोटे छोटे बीज होते हैं। आप गामरा के पूरे पंचांग का औसत प्रयोग कर सकते हो, पर अगर आप इसका पंचांग का या पत्तियों का अर्क निकालते हो तो विशेष गुण वाला होता है ये। अब गामरा के पौधे के गुण की बात करें तो अम्ल, शीत, स्निग्ध, कसाई, तिक्त और गुरु है। यह पौधा बिना बोए स्वयं उगने वाला खरपतवार है। अब जानते हैं गामरा के औसत प्रयोग। सबसे पहला औसत प्रयोग जिसे हर कोई जानता है, हर कोई उपयोग करता है, जैसे घाव जख्म पर, घाव जख्म की जगह पर पत्ते की चटनी लगाते हैं। इसके अलावा दूसरा उपयोग, अर्श के मसों पर भी पत्तों की चटनी या लुगदी लगाने से मसों में राहत होती है या लाभ होता है। मोच और सूजन दूर करने के लिए चटनी लगाते हैं। और अगर घाव पर 1 चम्मच पत्तों का स्वरस, 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच हल्दी मिला के तीनों की पेस्ट बनाकर घाव पर लगाते हैं तो वह लहू बंद करता है और घाव जल्दी भरता है। यह पेस्ट लगाने से घाव का निशान नहीं रहता। जलने की जगह जलने के बाद जब फोला उठता है तो फोला नहीं उठता, और अगर फोला उठता है तो उसके निशान नहीं रहते। गमरा के पौधे को भृंगराज के स्थान पर भी आप ले सकते हो। भृंगराज का स्थान लेने वाला है, इसीलिए आप समझ सकते हो कि ये बालों को मजबूत बनाता है, बालों का झड़ना रोकता है और डैंड्रफ चूहे खत्म करता है। इसके लिए आप सरसों का तेल में पंचांग मिला के इसका तेल सिद्ध कर ले। ये तेल बनाकर आप लगाइए। यह तेल मोच में भी लगाइए, घुटनों के दर्द में भी लगाइए और कमर दर्द में भी आप लगा सकते हैं। अगला उपाय, पत्तों का स्वरस पीने की मात्रा है 0.5 से 1 चम्मच। श्वास नली की सूजन को दूर करता है, अतिसार यानी डायरिया को भी रोकता है, कब्ज के कारण पेट दर्द होता है इसे भी ये रोकता है, पेट के कृमियों का नाश करता है और वाजी कारक है। सर्दी जुकाम खांसी को भी ये रोकता है। अगर आप पंचांग का कवाथ बनाकर सेवन करना चाहते हैं तो कवाथ पीने की मात्रा है 2 से 3 ग्राम तक। 2 से 3 ग्राम की मात्रा में दिन में 2 या 3 बार आप सेवन करें। पंचांग का कवाथ पीने से शरीर के अंदर के विषैले तत्वों को दूर करता है, किडनी को फिल्टर करता है, गठिया को ठीक करता है,
जड़ों में सूजन और दर्द को दूर करता है, पेट की जलन को दूर करता है, यकृत के विकारों को दूर करता है। और अगर आप कमरा का अर्क का नियमित सेवन करते हो तो इससे रोग प्रतिकारकता बढ़ेगी, प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होगी। पत्तियों का अर्क एक या दो बूंद की मात्रा में आपको सेवन करने का है, यह वैद्य की सलाह मुजब लेना है। यह अर्क कैंसर से भी बचाता है, हीमोग्लोबिन बढ़ाता है, हाई बीपी कंट्रोल करता है और इनके लक्षणों को कम करता है। हार्ट अटैक की समस्या को भी ये रोकता है। अर्क का नियमित सेवन बॉडी में संक्रमण रोकता है। मधुमेह में ये लाभकारक है, रक्त में शर्करा का स्तर कम करता है। अब गमरा के औषध प्रयोग करने से पहले क्या सावधानी बरते? ज़्यादा मात्रा में सेवन ना करें, गर्भस्थ महिलाएं इसका सेवन ना करें, छोटे बच्चे को भी ना दे, अन्य दवाओं के साथ इसका इस्तेमाल ना करें। मधुमेह के स्तर को ये कम करता है, इसीलिए कम मात्रा में इसका सेवन करें, क्योंकि शुगर का लेवल गिर जाएगा, इसीलिए मात्रानुसार सेवन करें। किसी को एलर्जी खुजली हो सकती है, अर्क की अधिक मात्रा से वमन होता है, इसीलिए इसका ज़्यादा मात्रा में सेवन ना करें। वैद या चिकित्सक की सलाह अनुसार इसका सेवन करें। आज की हमारी वीडियो की जानकारी यहीं तक थी। हमारी जानकारी को विराम देते हैं। जी धन्यवाद।